आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही असरदार एक बैंडेज जो रात भर आपको लगानी है और इसकी मदद से आपके किसी भी तरह के जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द या अगर आपकी मांसपेशियों में अकड़न रहता है, वेरिकोज वेन की समस्या है, कमर में दर्द बना रहता है या आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है और या आपको उठने में, बैठने में, चलने में तकलीफ होती है दर्द और सूजन की वजह से, तो भी आप इस बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे, एक रात में ही आपके दर्द गायब हो जाएंगे। इसके मदद से लाखों लोगों ने अपने दर्द को दूर किया है। साथ ही मैं आपको एक बहुत ही असरदार मुद्रा बताऊंगी, जिसकी मदद से आप अपने शरीर में किसी भी तरह के सूजन को दूर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से आपको बैंडेज बनाना है। इसके लिए आपको बहुत ही साधारण सी आपके किचन में मौजूद सामग्री का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक लेप बनानी है ताकि आपकी सूजन ठीक हो जाए। उसके पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सूजन और दर्द क्यों होता है। सूजन और दर्द हमारे पैर में तब शुरू होती हैं या किसी भी जोड़ में जब वहाँ पर उसकी चिकनाई ख़त्म होने लगती है। चिकनाई ख़त्म होने की वजह से रगड़न होती हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूटर या आपके पास अगर साइकिल हो तो उसमें अगर आप ग्रीसिंग नहीं करते हो, कोई भी मशीन ग्रीस लगाते हैं नहीं करें तो वो रगड़ेगी और वहाँ पर वियर एंड टेयर होगा, यानी वो सामान ख़राब हो जाता है, जंग भी लग जाता है अगर तेल ना लगाएं तो। उसी प्रकार से प्रकृति ने हमारे जोर में चिकनाई दी है और उस चिकनाई को हमें हमेशा कुछ ऐसे चिकनाई के खाने भी खाने हैं और इसे बाहर से भी लगाने हैं ताकि वो हमारे जोर की चिकनाई बनी रहे। उम्र के साथ साथ ये चिकनाई कम होती चली जाती है क्योंकि हमें ठीक से पता नहीं होता कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जिससे वो चिकनाई बने रहें। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आपको क्या खानी है जिससे आपकी चिकनाई बने रहे। साथ ही साथ जैसे ही चिकनाई ख़त्म होती हैं, हड्डियां रगड़ खाती हैं तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, जोरों का दर्द जिसे हम बोलते हैं और सूजन बोलते हैं। सूजन को दूर करने के लिए भी आपको मैं ये उपाय बता रही हूँ। तो आइए इसके पहले हम जान लेते हैं कि चिकनाई को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चिकनाई को बढ़ाने के लिए सबसे पहले दो सामग्री का आपको इस्तेमाल करना है। पहली जो सामग्री लेनी है वो लेनी है एलोवेरा जेल, यानी इसे हम धृत कुमारी का जेल बोलते हैं। कभी भी बाजार से खरीदी हुई एलोवेरा पे भरोसा ना करें। आप एलोवेरा के पौधे मिल जाते हैं 35 से 50 रुपए में, बहुत ही आसानी से मिलते हैं और इसे घर में हम बहुत आसानी से लगा भी सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं। आप इसे लगा लें और इसकी जो सबसे मोटी पत्ती होगी उसे निकालें, उसे धो लें पानी से और इसकी दोनों तरफ की जो कांटे हैं उसको ज़रूर से हटा दें। इसमें पीले रंग की जो पदार्थ होती है उसे हम एनोलिन बोलते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। एलोवेरा के बहुत फ़ायदे हैं, हम सभी जानते हैं। एलोवेरा में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी चिकनाई को दोबारा बना सके, क्योंकि उसमें एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे चिकनाई का खाना होता है। दूसरी जो सामग्री है वो हमें लेनी है आंवला, जिसे हम गूजबेरी बोलते हैं। गूजबेरी में भी एक ऐसी सामग्री पाई जाती है जिसे हम कोलेजन बोलते हैं। कोलेजन गूजबेरी में भी होती है और कोलेजन एलोवेरा में भी होती है। आपने देखा होगा ये दोनों ही चीज़ हमारे चेहरों की झुर्रियों को दूर करते हैं, चेहरों को मॉइस्चराइज करते हैं, बालों को मॉइस्चराइज करते हैं। मॉइस्चराइज का मतलब है कि उसकी चिकनाई को बना रहने में मदद करते हैं,
चेहरा जब बहुत ज़्यादा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, रूखा हो जाता है, तभी वो झुर्रियाँ आती हैं या बाल भी रूखेपन की वजह से झड़ते हैं और ख़राब होते हैं। तो इसमें इसलिए होता कि ये दोनों ही सामग्री में कोलेजन होता है, जो एक प्रोटीन होता है, और ये चिकनाई को बनाने में मदद करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही सामग्री हमारे घुटने की ग्रीस यानी साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में मदद करती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगी। अब आपको मैं बताती हूँ दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक दिन में एक व्यक्ति के लिए हमें एक आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपका वज़न अगर 80 किलो से ज़्यादा है तो दो आंवला भी आप ले सकते हैं। साथ में आपको एक, अगर आपका वज़न 70 किलो से अगर ज़्यादा है तो दो बड़े चम्मच से एलोवेरा जेल लें। अगर आपका वज़न 70 किलो से कम है यानी 70 केजी से नीचे है तो आप वन टेबल स्पून यानी एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल लें। तो ये दोनों ही चीज़ों को आप इसे ग्राइंड कर लें मिक्सर ग्राइंडर में। आप इसकी और ज़्यादा अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इसमें आधे इंच का एक अदरक का टुकड़ा डाल दें, जिसे हम जिंजर बोलते हैं। ये इसमें जिंजरॉल होता है और ये बहुत अच्छा होता है, दर्द को दूर करता है। तो हम इनको ब्लेंड करके एक ड्रिंक तैयार कर लेंगे। और आपको इसे कब लेना है? आपको इसे हमेशा ही दोपहर में लेनी होती है। जो आंवला होता है उसकी भले ही वो खट्टा होता है स्वाद में, लेकिन वो हमारे शरीर में जाकर अल्कलाइन प्रॉपर्टी देता है। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आंवला के फ़ायदे अनगिनत हैं और एलोवेरा के ये बहुत सारे आपको फैटी लीवर में, बैड कोलेस्ट्रॉल में या फिर आपको डायबिटीज़ में बहुत मदद करती है। एक व्यक्ति के लिए एक आंवला काफ़ी होता है अगर आपका वज़न 70 किलो से कम है, लेकिन अगर 70 केजी से ज़्यादा आपका वज़न है तो एक दिन में दो आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही घृतकुमारी यानी एलोवेरा में अगर आपका वज़न 70 केजी से कम है तो आप 1 टेबल स्पून यानी एक बड़े चम्मच से आप घृतकुमारी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वज़न है तो दो बड़े चम्मच से आप ले सकते हैं। अब इसके अगर फायदे को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप आधे इंच का अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक में जिंजरॉल होता है जो हमारे दर्द को दूर करता है। अब इसको ब्लेंड करके एक ब्लेंड तैयार कर ले। आपको इसे लेना कब है? आपको इसे हो सके तो दोपहर में 4 बजे तक ही ले, यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इसे सेवन करें। ये हमारे शरीर में जाता है और अल्कलाइन प्रॉपर्टी की वजह से शरीर के अम्लता को दूर करता है। आंवले का रस खट्टा होता है, हल्का कड़वा होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो ये उसको अम्लता को दूर करता है और ये अल्कलाइन हो जाता है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं इन सब चीज़ों को। ये हमारे शरीर में एंटी एजिंग का काम करता है, चेहरे की झुर्रियों को दूर करता है, जोड़ों की चिकनाई को बनाता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है उनके लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ वालों लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा है, ट्राई ग्लिसराइड वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अनेकों ही फ़ायदे हैं, लेकिन आपको दिन में एक ही वक्त से इसका सेवन करना है। रोज इसका सेवन नहीं करें, एक दिन बीच करके इसे आप लगातार एक महीने के लिए लें। आप देखेंगे आपके घुटने की चिकनाई दोबारा से बननी शुरू हो गई। तो आइए मैं आपको लेप बनाना बता देती हूँ, जिसे आपको रात भर लगाकर बैंडेज बनाकर अपने पैर पे या कमर पे किसी भी जगह पे दर्द हो वहाँ लगाकर छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करनी है, एक तड़के का बर्तन लेनी है। इसमें आपको डालनी है सरसों का तेल 1 बड़े चम्मच से। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो, कड़क जाए, तो इसमें आपको छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक डाल देनी है यानी सॉल्ट। सॉल्ट कभी भी तेल में मिलता नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा पका लें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इस गरम तेल में ही आपको डालनी है हल्दी का पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 बड़े चम्मच से हल्दी का पाउडर डाल दें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अंडे से समस्या नहीं है, तो लेप में अगर लगा सकते हैं तो आप इसमें 1 अंडा तोड़कर डाल दें।
अंडा भी क्या करता है, हमारे कोलेजन को बनाता है, कोलेजन बनाता है यानी चिकनाई को बढ़ाता है, जिससे ग्रीस बढ़ती है और रगड़न नहीं होती और सूजन दूर होता है। अंडे के पीले वाले भाग में ही ये पाई जाती है। अंडे से अगर समस्या है तो उसकी जगह पर आप 2 बड़े चम्मच से एलोवेरा का जेल यानी घृत कुमारी का जेल वहाँ पर डाल दें और उसके लेप तैयार करके आपको क्या करनी है, एक रोटी, आटे की रोटी होती है ना, वैसे रोटी बना लें, उसे बेलकर बैंडेज जैसा बना दें और उसके ऊपर वो लेप को लगा दें। अब वो आपको घुटने में अगर दर्द है तो घुटने के हर तरफ से, चारों तरफ से उसे लगाकर अच्छे से कपड़े से बांध दें, कपड़े बहुत अच्छे से बांधे, बैंडेज बना लें और उसको आपको रात भर लगा हुआ छोड़ना है। इससे आपकी सूजन दूर होगी, दर्द दूर होगा। मोच में अगर दर्द हो, कहीं गिरने की वजह से दर्द हो जाता है, मोच आ जाता है, आप वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको कमर में भी आप बंध, इसे पट्टी बांधकर आप लगा सकते हैं, वहाँ भी आपको ये दर्द में आराम देगा और चिकनाई को दोबारा से बनाने का ये बहुत ही असरदार तरीका है। आप इसे अगर शुरू कर चुके हैं तो ज़रूर से मुझे लिखकर बताएं। अगर आप तक अभी तक आपने इसे शुरू नहीं किया है तो भी लिखकर बताएं। साथ ही साथ आप वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि मुझे फ़ायदा नहीं होगा इसका, बाकियों को फ़ायदा होगा, ताकि बाकियों तक ये वीडियो पहुंचेगी और जिनको भी घुटने में सूजन और दर्द की समस्या है उनको इससे आराम मिलेगी और इससे छुटकारा मिलेगी। तो आइए मैं आपको अब मुद्रा बता देती हूँ जिसे आपको करना है और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगी। मुद्रा के लिए आप अपनी दोनों हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करें और आपको ये जो छोटी वाली उंगलियाँ होती हैं ये वाटर के लिए होती हैं, यानी हमारे शरीर में अगर वाटर रिटेंशन हो गया है, हमारे शरीर में सूजन होने का एक और कारण होता है कि हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन का हो जाना, यानी पानी का इकट्ठा हो जाना, ज़्यादा पानी का, तो भी हमारा शरीर फुला फुला सा लगता है और सूजन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये समस्या प्रेग्नेंट महिलाओं में, बुजुर्गों में होता है, या फिर अगर आपको कहीं चोट लग गई हो, ब्रूजिंग हो गई हो तो भी आपको ये देखी जाती है। गठिए के केस में भी ऐसा होता है, जिसे हम बर्साइटिस बोलते हैं, और जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। तो आपको क्या करनी है, अपनी इस छोटी उंगली को ऐसे यहाँ मोड़नी है, अंगूठे से इसे दबानी है, ठीक है। इस मुद्रा से आपकी सूजन दूर होगी और अगर आप कहीं भी इसे इस तरह से अपने पैर पर रख लें, बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी आप इसे कर सकते हैं, और अपनी सांस को खींचें और सांस को छोड़ें, अपनी सांस को महसूस करें इस तरह से। अभी मैं करके एक बार दिखाती हूँ। धीरे धीरे सांस ले और सांस छोड़े, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिनको भी सूजन है ना, ये मुद्रा बहुत फ़ायदा करती है, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती है। इस दौरान आप पानी का सेवन अच्छे से करें ताकि आपकी जब भी पानी आपके शरीर से निकलेगी तो उससे जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स हैं, वाटर रिटेंशन है, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। अब आपको मैं एक्सरसाइज बता देती हूँ जो घर में ही आप कर सकते हैं। बहुत लोगों को मिथ है और उनको ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि जब पैर में सूजन है तो हमें बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जब भी हमारे सूजन बढ़ जाती है उसे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन बनाने वाली जो बैक्टीरिया होती है वो, उनको क्या अच्छा लगता है, रेस्ट करना अच्छा लगता है, यानी मोबिलिटी उनको पसंद नहीं होती, कोई काम नहीं करना। तो आप जितना ज़्यादा आराम करेंगे तो बहुत सारी केस स्टडी में देखा गया है आपकी सूजन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा परेशानी होगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मोबिलिटी करना है, यानी आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आप एक कुर्सी का मदद ले लें, किसी भी चीज़ का मदद लें, उसे पकड़ें, अपने पैर को पेंडुलम की तरह हिलाएं, हल्का सा पहले मोड़ लें और इसे आगे पीछे ले जाएं। बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइजेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपके घुटने पे असर होगा, जोरों में दर्द बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो स्विमिंग करें, स्विमिंग बहुत अच्छा है जीरो ग्रेविटी एक्सरसाइज, जो आपके सूजन में, घुटने के दर्द की समस्या में, जोरों के दर्द की समस्या में आराम देता है। बस आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक अवश्य करें, इसे शेयर अवश्य कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।